विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने परासिया थाने के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया और जिहादी मानसिकता वालों का पुतला दहन किया। बजरंग दल की मांग है कि हरियाणा में हिंदुओं की शोभा यात्रा में पथराव करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री गोलू सूर्यवंशी ने कहा कि जिस प्रकार से मेवात में हिंसा हुई है वो अशोभनीय है। सेना और पुलिस के जवानों को मारा गया, अस्पताल में हमला किया गया। इस घटना के विरोध में हमने धरना प्रदर्शन किया है। हम मांग करते हैं कि अपराधियों को सजा मिले। विरोध प्रदर्शन किया है जो मेवात में जो घटना घटी है, मेवात में जो मेवात में हिंदुओं की यात्रा निकली थी उसके ऊपर हमला किया गया, पुलिस चौकी जला दी गई, दो पुलिस वालों को मार दिया गया, दो सेना के अधिकारियों को मार दिया गया और अस्पतालों में हमला किया गया, हिंदू बच्चों को मारा गया, उसके विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने पूरे भारतवर्ष में एक घंटे विरोध प्रदर्शन किया है और परासिया में भी आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला परासिया ने भी आज विरोध प्रदर्शन थाने के सामने किया और जिसमें हमें व्यापारी वर्ग एवं सकल हिंदू समाज का जो सहयोग मिला उसके लिए हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय श्री। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।